रेवेनशेड एक चुपचाप शहर जो घने जंगलों में बसा हुआ था और हमेशा अंधेरे में लिपटा हुआ था। वहाँ एक पुराने हवेली खड़ा था जो एक कल्पनात्मक भूत पिछड़ा हुआ इतिहास के प्रतीत होने के लिए मशहूर था। स्थानीय लोग धीरे से इस जगह के आपदा भरे किस्से सुनाते थे। कहते थे कि यहाँ के पहले रहने वाले के आत्माएं यहाँ आक्रमण करती हैं। जब सूरज घात गया और लंबी छाव के साथ अंधेरा छा गया, एक युवा पत्रकार एमिली ने फैसला किया कि वह इस भयंकर इमारत के राज को सुलझाएगी। उसने सिर्फ एक फ्लैशलाइट और जिज्ञासा भरा मन लेकर हवेली के टूटे हुए हाउस में कदम रखा। हवा अंदर घनी चुप्पी हुई थी, सिर्फ एमिली के धीरे धीरे कदम पर चलने वाले क्रीकिंग फ्लोरबोर्ड्स के अलावा। वॉलपेपर व्याकुलता में छिपा हुआ था, जिसमें एक भूली हुई परिवार की तस्वीरें थीं। जैसे ही वह गहराई में गई, एक अनवर्ण ठंडक महसूस हुई और दीवारें दूर दूर से आने वाली सिसकियों को अपने में समा लिया। एमिली की जांचें उसे हवेली के दिल में एक छुपे कमरे तक पहुंचाई, जो अनवच्छित दर्शन करता था। उसकी दीवारों पर उसी के कई तरीके की कुचली गई इच्छाएं दिखाई देती थीं। हवा अब भी थम गई थी और दीवारें दूर दूर से आने वाली पीड़ादायक सिसकियों से एक आवाज ने भरा था। इस जगह से चली जाओ, यह रो रहा था, एक शोक भरे शिकायत के साथ जो दीवारों से प्रतिध्वनित हो रही थी। धैर्यहीन लेकिन अद्भुत अनुभव की गई एमिली ने समझा कि हवेली एक प्रेत्यात्माओं का केव भयानक अंगन है, समय से परे एक श्राप से बंधी हुई। एक चरम समय में छायाएं मिली जो कि हवेली के पुराने मालिक के परेशान रूप में फॉर्म में ले ली। उनकी आंखें क्रोध से भरी हुई थी। भीत और कोने में पहुंचकर एमिली ने छुटकारे के लिए एक आपात निवेदन किया। हवेली ऐसे ही कांपी और बोझपूर्वक वायुमंडल उठ गया। भूतपूर्व आकृतियां उड़ा दी गईं और भयानक वातावरण उबड़ा। जब सुबह हुई, एमिली हवेली से निकली, स्पेक्ट्रल मुलाकात के द्वारा हमेशा के लिए परिवर्तित हुई। टूटी हुई संरचना शांत रही, इसके राज फिर से दफन हो गए। लेकिन हमेशा उस साहसी पत्रकार को याद रखेगा जिसने हवेली के भूतिया हॉल्स के राजों को खोलने का साहस किया।